वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 10:10 हो गए हैं। आरिज इधर उठ गया है, अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है और उसके बाद फिर जाएगा तैयार होने के लिए। तो अभी तो है टाइम 15-20 मिनट है, तो इतना सवेरे नहीं उठाया कि फिर इतना ठंडक थी एकदम। और कितना सवेरे उठता तो 7 बजे लगभग उठाया है, तो बस उठ के ब्रश किया, फ्रेश हुआ, उसके बाद फिर अब खा रहा है, फिर अब रेडी होगा। देखिए कितने बजे आती है, आज तो फर्स्ट डे है। और वैसे ठंडक अभी कुछ कम लग रही है आज, और दिन के कंपेयर में आज कुछ ठंडक कम है। और दिन तो बहुत ज़्यादा इस वक्त रहती थी सुबह में, और अभी लग रहा है कि धूप भी हल्की सी निकल गई, आज फॉग भी नहीं है। तो अब ठीक है, धूप रहेगी तो फिर उसको उतना ठंडक नहीं लगेगी। ऑटो पे ज़्यादा एकदम फॉग रहता है, तो उसमें उसको देख कर ही और ज़्यादा ठंडक लगती है। और बस हम तो अच्छे भी इसमें क्या, मेरी तो नींद और सवेरे ही टूट गई थी, तो फिर उसको तो फिर उठी गए। और बस सारे सब रेडी होता है तो फिर आपको भी मिलवाते हैं उससे। इतने दिन के बाद स्कूल जा रहा है, काफ़ी दिन के बाद, लास्ट वही दिसंबर में गया था, मिड दिसंबर तक, उसके बाद फिर अब जा रहा है, लगभग 2 महीने के बाद जा रहा है स्कूल। और आरिस तैयार हो गया, सब कर लिया है और अब 7:30 हो गया है, तो अभी तक ऑटो आई नहीं है, तो वेट कर रहा है उनका। सब कुछ रख लिया ना, सारा कुछ। हाँ, और बस अब जा रहा है इतने दिन के बाद। कैसा लग रहा है 2 महीने के बाद स्कूल जा रहे हो तो? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बॉल भी लेके जा रहे हो, आज पीटी थोड़ी है तुम्हारा। अब देखो आज तो बहुत कम लोग आएगा, एक तो 30% 1 से 30 ही रोल नंबर तक आना है। बोतल तुम्हारा इधर रख दिया, कॉपी जिधर है ना उसमें डाल दिया तुम्हारा वाटर बोतल। हो गई यार, इसकी ऑटो आ गई, अब जा रहा है। जाओ जाओ, बीच में बैठना, एकदम किनारे मत बैठना, हवा लगेगी। चलो उतरो, चलो। आज तो अच्छी खासी धूप निकल गई है, रोज तो इतना ठंडक रहती थी, फॉग रहते थे, आज तो फिर भी अच्छा मौसम है। खोलो दरवाजा, आज तो धूप निकली हुई है। जाओ अल्लाह हाफिज, जाओ अल्लाह हाफिज, आज तो धूप निकली हुई है बहुत। और टीवी देख रहा था, वैसे ही ऑन करके चला गया है, टीवी ऑफ कर देते हैं। इतने दिन के बाद गया है ना, तो खाली खाली सा घर लग रहा है अचानक। इतने दिन रोज सुबह में रहता था, चला गया स्कूल तो बस। और सब फोल्ड उल्ड भी कर दिया है, ब्लैंकेट ये सब, अब जा रहे हैं किचन में काम करने के लिए, काफी देर हो रही है, नाश्ता भी बनाना है। और अभी सब्जी बेचने के लिए आई है, तो खाली मूली है इनके पास, और क्या पालक है, धनिया का पत्ता एकदम फ्रेश, अभी खेत से तोड़ करके लाए हैं। देखिए थोड़ा सा पालक भी दे दीजिए, कितना, एक ये दीजिए ना, एक हाँ बस इतना काफी है। हाँ इतने, हाँ हाँ धनिया, नहीं धनिया, धनिया कैसा, थोड़ा सा दे दीजिए धनिया का पत्ता भी। हाँ हाँ इतना दे दीजिए बस, कितना हुआ। और तो कोई सब्जी नहीं इनके पास, बस मूली है, धनिया का पत्ता और पालक है, एकदम फ्रेश लेकर के आई है अभी खेत से। और कोई सब्जी नहीं आपके यहाँ खेत में होती है वहाँ पर? खेत में लीलगाई ऐसा ना चल गया है तो एकदम, और नहीं रहती है कोई सब्जी, बस ये मूली और खाली पालक, पालक धनिया मूली। और कौन कौन सब्जी होता है? यही तो अपनी ललका साग के, लाल साग लाने के लिए तो। लाल साग है, और कोई सब्जी नहीं है कोई फ्रेश कोई सब्जी, मतलब गोभी इस टाइप कुछ ना, कुछ ना, नहीं कोई सब्जी नहीं है। अच्छा ले लिया सब्जी, इतना ज्यादा सब्जी खेत में नहीं हो रही है, वो नील का है ना, वो चली जाती है उधर, तो फिर सारा सब्जी इनका खा लेती है, इसलिए बोले बस साग हो रहा है, मूली हो रहा है और धनिया के पत्ते है बस। कितना देना है? 30 रुपये 30, पैसा दे दे इनको, ले जाओ, धनिया लगा उठा दे। धो दिया, मूली को भी धो करके रख दिया, जब इसका थोड़ा सूख जाएगा तो फ्रिज में रखेंगे, और आज देखेंगे दोपहर में काट करके कि कैसा है, मतलब फ्रेश मूली है तो अभी जो मूली आती है उसका तो कुछ टेस्ट ही नहीं रहता, लगता है कि सिर्फ कुछ खा रहे हैं फीकी सी चीज़, कोई टेस्ट नहीं, ये वाली मूली खा के देखेंगे। और धनिया के पत्ते को भी धो दिया, जड़ को हटा दिया, धो करके रख दिया, सूख जाए तो फिर टिश्यू पेपर में लपेट करके और किसी एयर टाइट डब्बे में रख देंगे, तो काफ़ी दिन तक एकदम फ्रेश रहता है ये, 15-20 दिन तक तो आराम से चल जाता है। नहीं तो अगर ऐसे ही फ्रिज में रख देते ना, पॉलिथीन में आया उसको वैसे ही फ्रिज में रख दिया तो एकदम गल जाता है, तो इसको धो दिया है, वेट कर रहे हैं थोड़ा सूख जाए पानी इसका, उसके बाद इसको टिश्यू पेपर में लपेटेंगे।
और पालक को नहीं धोया, इसको रहने दिया है क्योंकि वो भींग जाता है तो वो एकदम गल जाएगा। आज तो बनाएंगे नहीं पालक, अब कल सुबह ही बनाएंगे, तो उसको वैसे ही बस रहने दिया है, साइड करके उधर रख दिया है। धो बनाने से पहले फिर अच्छे से धो करके उसको बना लेंगे। बाकी ये सब जो धो दिया है तो ये सब सूख जाए। अच्छा, अभी हम लोग के कॉलोनी में रहते हैं जमाल भाई, खतर में जॉब करते हैं, तो वो कल आए हैं इंडिया, तो इतना सारा तोहफा लेकर के आए हैं, खजूर का एक पूरा डब्बा लेकर के आए हैं और एक ये वाला ये है क्या, फ्रूट रोल है, ये बहुत अच्छा लगता है, हमेशा आते हैं तो वो लेकर के आते हैं। वैसे हम लोग यहाँ तो कभी नहीं खाया है, लेकिन हमेशा वो आते हैं खतर से तो लेकर के ही आते ही हैं, और बहुत अच्छा होता है। इसका ऐसा टेस्ट तो इंडिया में तो मिलता ही नहीं है कि कोई इस टाइप की चीज है, तो पता है हम लोग नहीं खाया है, हो सकता है हम लोग तो नहीं ढूंढा इतना, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है, तो बहुत अच्छा है। और फिर खजूर इतना सारा लेकर के आए हैं, तो अब अच्छा है, पापा भी खाएंगे रोज खजूर, फ्रेश खजूर है। हाँ, वहाँ का तो बहुत अच्छा, बाहर में तो अच्छा मिलता ही है खजूर, वहीं का है, पत्तर का ही है। हाँ, वहीं से लेकर के आए हैं। ये सूख गया धनिया का पत्ता, अच्छे से सूख गया है एकदम, और इधर मूली भी सूख गया है, तो मूली को तो फ्रिज में रख देंगे, और एक मूली आज कटेगा अभी खाने में, और इसको टिश्यू पेपर में लपेट देते हैं और उसके बाद डब्बे में रखते हैं। तरह से रख दिया टिश्यू पेपर में लपेट करके, तो अब ये एकदम नहीं खराब होगा, 15-20 दिन आराम से ये चल जाएगा। और बस अभी बाहर में आ गए, वेट कर रहे हैं, और अभी सुबह में इतनी अच्छी धूप थी, अभी फिर से बादल आ गया, एकदम धूप खत्म हो गई है। अभी सोचा कि आत में जाते हैं, धूप में खड़े रहेंगे जब भी कोई नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, पापा भी नहीं आ जाते हैं, जब तक आके देखा देखा पूरा बादल आ गया, फिर से लग रहा है कि फिर बारिश होगी, अभी फिर धूप है ही नहीं एकदम। और अब 2:30 बजने वाला है और अभी तक आरिज आया नहीं है, तो बस यहाँ पर खड़े होकर के उसका वेट ही कर रहे हैं, और अब लग रहा है कि बस आता ही होगा, 2-3-5 मिनट में पहुँचेगा, और फिर से एकदम बादल आ गया है। और अभी तो उस टाइम आपसे बात किया था तो फिर थोड़ी सी धूप निकली थी, और लेकिन फिर से वापस एकदम बादल आ गया और हवा चल रही है। अब लग रहा है कि ऐसी तरह मौसम रहा तो शाम तक या रात तक फिर से बारिश हो जाएगी। और खैर, कल तो आरिज का स्कूल बंद है, कल नहीं जाना है उसका, लेकिन परसों फिर फ्राइडे को है, तो अब देखते हैं कैसा मौसम रहता है, अगर ज़्यादा ठंड रहती है या कैसा रहता है। आज तो बड़ी अच्छी मौसम था, सुबह में बड़ा अच्छा एकदम धूप निकली हुई थी, तो आराम से चला गया स्कूल, और बस अब आ ही रहा होगा, आ जाए तो फिर खाना खाएं हम लोग। आगे आरस आवाज़ हुई थी गेट की, हमको लगा अभी तक नहीं आए, इतना हम आना जाना कर ही रहे थे, देख रहे थे बालकनी में। आओ, क्या हुआ, इतनी लेट हो गई, देर हो गई, 2:35 से भी ज्यादा, 2:40 देर हो गई। चलो बैग रखो, इधर ही रख दो, यहीं पर रख दो, नीचे ऐसे ही रख दो भाई। और आरिज अब जा रहा है सोने, ऑलरेडी 3:30 हो गया, इतनी देर हो गई, अब भी सोया है तो 5:30 में उठ जाना, ठीक है आरिज, हाँ उठा देंगे, 2 घंटे, 2 घंटा काफी है, 2 घंटा सो, उसके बाद 5:30 में उठ जाना, फिर तो फिर कुछ खाओ पियो के फिर पढ़ने आना, ठीक है, सो आराम से, रुको ये वाला भी ऊपर से डालो, ठंडक हो रही है एकदम, बादल लग गया, हवा चल रही है, चलो सो, लाइट ऑफ करते हैं। अब सो रहा है आरिज और हम भी इधर एडिटिंग का काम कर रहे हैं, तो ये अब उठेगा, फिर उसके बाद ही कुछ करेंगे, जब तक मेरे पास अभी है 2 घंटा, आराम से एडिटिंग कर लेंगे उतने देर में। और आज प्रिंटर का कलर ख़त्म हो गया था, तो काशिफ ले करके भी आए थे, तो उस दिन इतना ट्राई किया था तो कलर ही नहीं था, तो अभी तो सारा उसका डियर का जितना PDF आया हुआ था तो सब निकल रहा है, 101 पेज है, सारा कलर तो आज ही ख़त्म हो जाएगा लग रहा है। अभी कितना निकला है, अभी तो बहुत सारा, अभी तो थोड़ा ही सा निकला है, 89 पेज हुआ है अभी, अभी इतना सारा निकलना है, पूरी बुक निकलनी है, बुक मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, लोग की किताब जहाँ मिलती है ज्ञान गंगा में, वहाँ बुक ही नहीं है लोगों का डियर का। और आरिज का ये निकला PDF जो भेजे थे डियर का, वो निकला है, लेकिन बस 54 ही पेज निकला और सारा कलर खत्म हो गया, ब्लैक वाला आज मंगवाया था और आज ही खत्म हो गया, पूरा निकल भी नहीं पाया, अभी तो आधा निकला, अभी आधा बाकी है, और अभी आधा बाकी है, फिर से मंगवाना पड़ेगा कलर,
अभी कुछ चैप्टर निकला है बस, अभी तो इतना सारा चैप्टर बाकी है, कैसे किताब मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, और ये सब तो बस इतने ही निकला है। देखे अब क्या करते हैं, 53 पेज निकला बस। और अभी आरिज इधर पढ़ाई कर रहा है, तो अभी तो 9:10 हो रहा है, तो इसको कम से कम बोला है 10 बजे तक आज पढ़ने के लिए, और स्कूल गया था तो बहुत टाइम बर्बाद हो गया, आज कुछ भी नहीं पढ़ाया पढ़ पाया। स्कूल से आया उसके बाद सो गया, फिर 5:30 के बाद 6 बजे लगभग उठाया, उसके बाद फिर कुछ खाया और 7 बजे फिर पढ़ने आया, 7 के बाद ही आया। तो वैसे आजकल सवेरे थोड़ा आ जा रहा था स्कूल जाने में, अब स्कूल में कुछ पढ़ाई भी नहीं हो रही है, कोई बच्चा ही नहीं आ रहा है एकदम, ऐसे भी 30% 50% के साथ स्कूल खुला है, मतलब इन लोग के स्कूल में 1 से 30 तक ही क्लास में बच्चे को बुलाया जा रहा है, उसमें से भी आज 15 बच्चा आया ही नहीं था, और तो एकदम पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ बच्चा भी नहीं आ रहा है। तो अब इसको फ्राइडे को भेजेंगे नहीं, अब डायरेक्ट इसका बस एक दिन और है फ्राइडे को, फिर तो मंडे से इसका एग्जाम है। हाँ एग्जाम एक दिन ट्यूसडे से स्टार्ट था, तो अब फिर से और एग्जाम को लेट करना चाहिए था, तो एकदम और पहले कर दिया, 14 से मंडे से ही एग्जाम स्टार्ट है, तो अब सीधे इसको मंडे को ही स्कूल भेजेंगे। अब एक दिन और है, बस फ्राइडे है और कुछ पढ़ाई भी नहीं हो रही है, बस रिवीजन ही कराया जा रहा है, तो फिर घर में ही पढ़ेगा उतना, तो अभी तो बस बैठा हुआ है याद कर रहा है। और कल तो आरिस को स्कूल जाना नहीं है, कल है नहीं उसका स्कूल, तो कल आराम से उठेंगे, उतना सवेरे नहीं उठेंगे, वैसे काशिफ का ऑफिस है लेकिन फिर भी जितना सवेरे उठ जाते थे 6:20 में आज उठा था, 6:20 के उससे भी पहले उठा था, तो कल अब आराम से थोड़ा 7 बजे तक उठेंगे, और बस अब खाना हो गया हम लोगों का और अब जा रहे हैं, थोड़ा देर बैठेंगे मोबाइल देखेंगे। आरिस भी आज सुबह से कुछ टीवी नहीं देखा है, कुछ नहीं, बस मोबाइल भी नहीं लिया है, कुछ नहीं किया, ऐसे पढ़ ही रहा था, तो थोड़ा देर बस देखेगा ये भी 10 मिनट हल्का फुल्का टीवी देखेगा, उसके बाद ये भी सोएगा। और बस अब इस व्लॉग को एंड ही करते हैं, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।